मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। वर्ली पुलिस का कहना है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी मिहिर शाह ने 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी रोकी और अपने ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। ड्राइवर ने कार रिवर्स की और सड़क पर पड़ी घायल महिला को फिर से कुचल दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। आरोपी मिहिर शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस के बयान और सीसीटीवी फुटेज से ये साबित होता है कि ये एक्सीडेंट के वक्त मिहिर कार चला रहा था, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए ड्राइवर को अपनी सीट पर बिठा दिया। वर्ली पुलिस ने इस मामले में राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को सेवरी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जिसमें पूरी घटना साफ साफ दिखाई जा रही है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि दोनों आरोपी महिला को कुचलने के बाद काला नगर की ओर तेजी से भागे, जहां गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इसके बाद मिहिर ने बिदावत के फोन से अपने पिता राजेश शाह को फोन किया और सारी बात बताई। राजेश मर्सिडीज से वहां पहुंचे, मिहिर से बात की और उसे भागने के लिए कहा। बाद में राजेश ने वहां से बीएमडब्ल्यू को हटवाने की योजना बनाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजेश शाह को जुडिशियल कस्टडी और ड्राइवर बिदावत को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। राजेश ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। कोर्ट ने उसे 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह को पकड़ने के लिए 11 टीमें बनाई हैं। इसमें क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है। मिहिर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि वो विदेश ना भाग सके। अब समझिए हादसा कैसे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में रहने वाले प्रदीप नकवा और उनकी पत्नी कावेरी नकवा मछुआरे समुदाय के हैं। दोनों हर रोज ससून डाक पर मछली खरीदने जाते थे। हर रोज की तरह वो 7 जुलाई को भी ससून डाक से लौट रहे थे। इस दौरान सुबह 5:30 बजे अटरिया मॉल के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उन्हें पीछे से टक्कर मार ली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पलट गई और दोनों पति पत्नी कार के बोनट पर गिर गए। पति खुद को बचाने के लिए कोशिश में बोनट से तुरंत कूद गया, लेकिन पत्नी उठ नहीं सकी। भागने की हड़बड़ी में आरोपी ने महिला को कुचल दिया और कार से बहुत दूर तक घसीटता हुआ चला गया। इसके बाद आरोपी मिहिर और उसका ड्राइवर कार लेकर भाग गए। घायल महिला को मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और पति का फिलहाल इलाज जारी है। हादसे के बाद वर्ली पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए, जिसमें ये मालूम चला कि गाड़ी शिवसेना नेता राजेश शाह की है। राजेश शाह पालघर में रूलिंग पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के लीडर है। वर्ली पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया है। पुलिस की जांच में सबूत मिटाने की कोशिश की बात भी सामने आई है। कार की विंडशील्ड पर शिवसेना का स्टिकर लगा था। घटना के बाद स्टिकर को खरोंच कर हटाने की कोशिश की गई है ताकि पार्टी के साथ गाड़ी का कनेक्शन छिपाया जा सके। कार की एक नंबर प्लेट भी हटा दी गई है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जिससे कार मालिक का पता आराम से चल गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिहिर शाह घटना के वक्त नशे में था। उसने शनिवार 6 जुलाई की रात जुहू में एक बार में शराब पी थी। घर जाते समय उसने ड्राइवर से लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। वर्ली में मिहिर ने गाड़ी ड्राइव करने की जिद की और कार चलाने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। घटना के बाद से वो अपना फोन बंद करके फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खैर ये तो था मुंबई का हिट एंड रन केस, लेकिन बीते चंद महीनों में पुणे, चेन्नई और दिल्ली में भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। 17 जून की रात चेन्नई में हिट एंड रन का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आता है। चेन्नई में राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी, इससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद सांसद की बेटी को थाने से ही जमानत दे दी गई। आरोपी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी माधुरी है, जबकि मरने वाला शख्स सूर्या था। उसकी उम्र 24 साल थी। सूर्या पेंटिंग का काम करता था। 8 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त माधुरी भी नशे में थी। वो कार चला रही थी जबकि उसके दोस्त भी कार में मौजूद थे। नशे में धुत माधुरी ने चेन्नई के बेसेंट नगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे सूर्या पर गाड़ी चढ़ा दी। एक्सीडेंट के बाद माधुरी मौके से भाग निकली, जबकि उसकी दोस्त मौके पर मौजूद लोगों से बहस करने लगी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। भीड़ में से कुछ लोग घायल युवक को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी जब खंगाले तो ये मालूम चला कि कार बीएमआर यानी कि बीड़ा मस्तान राव ग्रुप की है और पुडुचेरी में रजिस्टर्ड है। इसके बाद पुलिस ने माधुरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने से ही उसे जमानत मिल गई। बीड़ा मस्तान राव आंध्र प्रदेश के नेता और बड़े बिजनेसमैन है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक वो 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। बीड़ा मस्तान की कंपनी बीएमआर ग्रुप सी फूड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। बीड़ा मस्तान राव पहले टीडीपी में थे, इसके बाद उन्होंने वाईएसआरसीपी ज्वाइन की और फिलहाल वो आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। पिता के रसूख के चलते माधुरी शायद कानून की गिरफ्त से बच निकले, लेकिन उस गरीब महिला का क्या जिसने इस हादसे में अपने पति को खो दिया है। चेन्नई से पहले पुणे में एक नाबालिग ने अपनी लग्जरी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो आईटी इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। दोनों युवक युवती मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी करते थे। घटना 18-19 मई की रात की है। रात के 2:30 बजे कल्याणी नगर में एक हादसा हुआ। तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक सवार अवनीश और अश्विनी को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई और आरोपी नाबालिग था। एयरबैग खुलने की वजह से वो बच गया। हादसे से पहले उसने अपने दोस्तों के साथ पुणे में दो पब में जाकर शराब पी थी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पिता को खबर कर दी। पिता ने पैसों और पावर दोनों का इस्तेमाल किया और लड़के को बचाने की भरपूर कोशिश की। जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी। पुलिस ने जब अल्कोहल टेस्ट कराया तो डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल बदल दिया, रिपोर्ट्स नेगेटिव बताई, लेकिन मामला तूल पकड़ता गया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग आरोपी के माँ बाप, दादा, दो डॉक्टर्स, पब के मालिक और मैनेजर समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जुवेनाइल कोर्ट ने भी बेल का फैसला बदला। आरोपी को 25 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी जमानत पर है। मामले की सुनवाई लगातार जारी है। अश्विनी, अनीस, सूर्या, कावेरी, मोहिनी, हरिकृष्ण जिंदल, ये वो चंद नाम हैं जो किसी की लापरवाही के चलते अब इस दुनिया में नहीं है। इन सभी मामलों में कई समानताएं हैं, जैसे कि हादसे महंगी एसयूवी कार से हुए हैं, ड्राइवर नशे की हालत में थे। सभी आरोपी रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हादसे के बाद किसी भी आरोपी ने पीड़ित को बचाने की कोशिश नहीं की, उल्टा खुद को बचाने के लिए पैसों से लेकर पावर तक सभी का गलत इस्तेमाल किया। सड़क हादसे का बढ़ता ग्राफ देखकर सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं। कानून को सख्त बनाने की कोशिश की गई है। हिट एंड रन में सख्त सजा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन इसके विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया था, जिसके चलते सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अब इन घटनाओं के बाद एक बार फिर से सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। देखना है सरकार आखिर कब एक्शन लेती है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।